दोस्तों देख सकते हैं एक और कांवड़ आ गई, कितनी बड़ी है, मोर वाली कांवड़ है, काफी बड़ी कांवड़ है, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। कांवड़ वाली ड्रेस भी मिल जाएगी, निक्कर भी यहाँ पे, टी शर्टें भी मिल जाएंगी आपको, महाकाल वाली देखो, ये सारा सामान मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाला बैग आपको 100 रुपए का मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जल भर के ले आ रहे हैं कांवड़ में, तो उस तरीके से कांवड़ों को तैयार किया जाता है। अब यहाँ से जाएंगी, मैं हर की पौड़ी पे खड़ा हूँ इस वक्त, मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। ये देखो कितना ज्यादा कम पानी है यहाँ पे, देखो जमीन भी नजर आ रही है, इतना ज्यादा कम पानी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा कितना कम पानी है, बहुत ज्यादा कम पानी है, नाना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी पे। तो जैसा कि आपको पता होगा सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में जल भरने के लिए आते हैं कांवड़ी है, तो यहाँ पे कांवड़ मेला चल रहा है। तो यहाँ पे कैसी कांवड़ आपको देखने को मिलेगी, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं घाट पे आ चुका हूँ, ये गऊ घाट है, और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे कांवड़ भर रहे हैं। और सामने की तरफ देख सकते हैं हर की पौड़ी है, वहाँ पे हर की पौड़ी है, तो वहीं पे जाना है। अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं तो हर की पौड़ी से आपको बनी बनाई कांवड़ भी मिल जाएगी, और कांवड़ को डेकोरेट करने का सामान भी मिल जाता है। और सभी बोले वहीं से जल भरते हैं अपना, और यहाँ से भी भर रहे हैं, देख सकते हैं गऊ घाट से भी लोग जल भर के ले आते हैं। तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो हम हर की पौड़ी पे चलेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ से निकाली जा रही है, बहुत ही शानदार कांवड़ मेला लगा हुआ है। अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं, अगर कांवड़ लेने के लिए नहीं आते, कांवड़ मेला देखने के लिए आते हैं, तब भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो वहीं की तरफ चलते हैं, और देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे कांवड़ भरने के लिए आए हुए हैं। पहले हर की पौड़ी पे चलते हैं, उसके बाद मेन हाईवे पे चलेंगे जहाँ से सुंदर सुंदर कांवड़ें निकाली जाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम पे, सारे कांवड़ी यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अपना जल भर के लेके जाएंगे। और नजारा देखो हर की पौड़ी का, कितनी भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए और कांवड़ भरने के लिए अपना अपना, देख सकते हैं। और इस साइड देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ही गजब का नजारा है इस टाइम। दोस्तों हर की पौड़ी पे जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं, तो मैं शू स्टॉल पे जमा करवाता हूँ, फिर उसके बाद हर की पौड़ी पे चलता हूँ, और मेन हर की पौड़ी पे आप लोगों को दर्शन भी कराता हूँ। तो चलिए वहीं चलते हैं सीधा। तो देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूँ गंगा माँ के, बिल्कुल यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इस बार देखो कितना ज्यादा कम पानी है, ये मेरे को आपको दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। ये देखो कितना ज्यादा कम पानी है यहाँ पे, देखो जमीन भी नजर आ रही है, इतना ज्यादा कम पानी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा कितना कम पानी है, बहुत ज्यादा कम पानी है, नहाना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों मैं हर महीने हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ, इतना कम पानी मैंने पहली बार देखा है, और बिल्कुल जमीन नजर आ रही है, और देखो बिल्कुल गंगा के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं जमीन के ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। सभी श्रद्धालुओं को नहाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन जल भर के तब भी सारे ले आ रहे हैं, तो इसी पानी के अंदर सारे स्नान कर रहे हैं। मैं भी यहीं पे अभी स्नान करूंगा और गंगा जल भर के लेके जाऊंगा अपने लिए, मैं भी कांवड़ लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे यात्रा देखूंगा। मैं पैदल तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेन से आया हूँ, तो ट्रेन से ही वापस जाऊंगा या बस से वापस जाऊंगा, तो मैं जल भर लूंगा। देखो यहाँ पे जो रेत पड़ी हुई है उसके ऊपर लोगों ने शिवलिंग बनाया है, और यहीं पे पूजा वगैरह कर रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कई लोग यहाँ पे शिवलिंग बना रहे हैं, देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा फूल चढ़ा रखे हैं, कई सारे शिवलिंग बना रखे हैं लोगों ने, जो कि बहुत मस्त लग रहे हैं। तो आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पे इन्जॉय भी कर रहे थे, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि ये रेत होती है हाथों पर लगती नहीं है मिट्टी की तरह। बाकी पानी बहुत ठंडा है गंगा में, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन पानी को कम कर रखा है, पता नहीं क्यों कम कर रखा है, हो सकता है भीड़ की वजह से कम कर दिया हो, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इतनी भीड़ के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा और फ्लो तेज होगा तो डूबने का खतरा बना रहता है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का आपको ये डेकोरेशन का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लोग अपनी कांवड़ को यहाँ पे सजा सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपकी लाठी वगैरह जो होती है ऊपर डालते हैं, जिसमें देख सकते हैं ऊपर जो डंडा लगा होता है ना, इसके अंदर होल भी कर देते हैं यहाँ पे, देखो इन्होंने ड्रिल मशीन रख रखी है यहाँ पे, तो आप लोग ये भी करवा सकते हैं यहीं से, 2 मिनट में कर देते हैं। और घुंघरू पहन के जाते हैं ना कांवड़ वाले, तो वो भी मिल जाएगी आपको, काफी सारी घुंघरू में आपको जगह जगह पे मिल जाएगी, तो काफी सारी घुंघरू मिल जाएगी आपको, कांवड़ी अपने पैर में बांधते हैं। ये देखो पूरी मार्केट लगी हुई है, आपको बीच में पटरी भी लगी हुई दिख जाएगी जहाँ पे कांवड़ मिल रही है, और दुकानों पे भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा। और देख सकते हैं एक कैन मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आप लोग जल वगैरह भर के ले आ सकते हैं, और धूप बत्ती मिल जाएगी, और बैग वाली भी मिल जाएगी देख सकते हैं, जिसके अंदर जल रख के ले आते हैं, तो ये वाले बैग भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखो कितना सारा सामान है कांवड़ के लिए, कांवड़ वाली ड्रेस भी मिल जाएगी, निक्कर भी यहाँ पे, टी शर्टें भी मिल जाएंगी आपको, महाकाल वाली देखो, ये सारा सामान मिलेगा यहाँ पे। ये वाला बैग कितने का है?
तो ये वाला बैग आपको 100 रुपए का मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों मैं सुबह ही ट्रेन से पहुंच गया था यहाँ पे, 6 बजे उतार दिया था ट्रेन ने, तब से ही मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो पंडित जी पूड़ी वाले पे आ गया हूँ मैं, तो यहाँ पे पूड़ी खा लेता हूँ। पहले 100 रुपए की प्लेट है जिसके अंदर आपको 3 सब्जियाँ मिलती है और यहाँ का सीटिंग एरिया देखो कितना जबरदस्त है। दोस्तों मैं मेन हाईवे पे आ चुका हूँ, हर की पौड़ी पे देख सकते हैं मेरे पीछे हर की पौड़ी, और मैं मेन हाईवे पे खड़ा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ निकल रही है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो मेरे पीछे एक कांवड़ आ चुकी है, देखो कितनी खूबसूरत कांवड़ है जिसके अंदर हनुमान जी और गणेश जी हैं और भोलेनाथ है। देखो कितनी खूबसूरत कांवड़ है, जय भोले जी। कांवड़ हरिद्वार हर की पौड़ी के पास खड़ी है मेन हाईवे पे, और ये देखो यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, 203 किलोमीटर और ये वाली कांवड़ जाएगी कुरुक्षेत्र। देखो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पे आ गई हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से इनको सजाया गया, देखो कितनी खूबसूरत कांवड़ है, जय भोलेनाथ। ये देखो गाइस इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि क्या बताऊँ, बिल्कुल प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उसके बाद भी देखो भोले कैसे कांवड़ ले लेके जा रहे हैं, बहुत हिम्मत है यार इनके अंदर, इतनी भारी भारी कांवड़ को उठा के ले आना और कहीं कहीं लीटरों में जर्क हो जाना बहुत मुश्किल है इतनी धूप में। दोस्तों देख सकते हैं एक और कांवड़ आ गई, कितनी बड़ी है, मोर वाली कांवड़ है, काफ़ी बड़ी कांवड़ है, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी कांवड़ है, बहुत अच्छी अच्छी कांवड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी वीडियो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। कितनी बड़ी कांवड़ लेके जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो जल्दी मिलेंगे कांवड़ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।